हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंगलटन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया के सारे ऑफिसेज में जैसा काम होता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनके चार पांच लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, जो यहाँ पे काम करते हैं। बाकी सब लोग तो कैंटीन में पड़े हुए रहते हैं। आपको लग रहा है कैमरा मेरी तरफ क्यों आ रहा है? Am I someone special? Extra special. Let me introduce myself. मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा ये बंडू वेटर, लेकिन अपना वर्ड किसी मैनेजर से कम नहीं। जंगाते जंगाते जंगा जंगाते जंगी जंगा की जंगा इनसे मिलो। सिंगलटन कंसल्टेंसी के दो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, सॉरी हार्डली वर्किंग एम्प्लॉय, निक और तुषार। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, 5 साल से विदाउट इंक्रीमेंट, विदाउट प्रमोशन, एक ही जगह पे। लोग यहाँ पे बैठ के इतना चाय पीते हैं ना कि कंपनी को अलग से सीए अपॉइंट करना पड़ा इनका हिसाब रखने के लिए। बताओ ए पांडू, ए आलू का दाम बढ़ गया क्या? नहीं, क्यों? अच्छा, आज माल कम आया रहेगा ना? नहीं, सब ठीक है। तो बाकी का आलू क्या तेरा ससुराल भेज दिया है? क्या है इतना सा समोसा? देखो निक सर, ससुराल पे नहीं जाने का। हाँ, तेरे ससुराल में जाने का भी नहीं है। हाँ, इधर छुट्टी कौन देगा? हाँ, इतना सारा काम पड़ा है बाकी सबके लिए, और तू वेकेशन पे जाने का बात कर रहे? देख, तू टॉपिक चेंज मत कर, वो क्या पूछ रहा है उसका जवाब दे। देखो निक सर, आपको खाने का है तो खाओ, नहीं तो मैं समोसा और चटनी लेके जा रहा हूँ। अरे चटनी किधर है? ये क्या है? मैं कूद डाला है। कूद डाला? हाँ, कूद डाला है। हाँ, मेरे को लगा गिर गया तेरे से। अबे इतना सा चटनी ना तुषार खाने के टाइम गिरा देता है। क्या वो चटनी भी भेज दिया क्या ससुराल में? देखो तुषार सर, मैं आपको फाइनल वार्निंग दे रहा है, ये लास्ट टाइम। अरे क्या, यहाँ पे दुनिया मिनट मिनट में टेक्नोलॉजी बदल रहा है, और हमारे स्टार परफॉर्मेंस देखो, हट रहे, यहाँ बैठ के समोसा खा रहे। अच्छा, हमारा समोसा खाने से टेक्नोलॉजी बढ़ेगा नहीं ना? बात करते हैं। तुम लोग से ना मुझे यही एक्सपेक्टेड है। आपको पता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तब तुम दोनों ने ये कंपनी ज्वाइन किया था। अब 5 साल हो गए, तुम लोग वही का वही है। अरे यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मी। मुझे देखो, आई एम द यंगेस्ट एम्प्लॉय टू अचीव पोजिशन ऑफ टीम लीडर इन लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर क्या हुआ? तू ही तो बोला देखो, तो हम लोग देख रहे। यू एम्बिशन लेस पीपल। तुम लोग से ना मुझे यही एक्सपेक्टेड है। ये तू ये बोल दिया ब्रो, कुछ नया लिख के लाना। ये पेन पेन है, नया लिख के लाना। और क्या, इधर मिनट मिनट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, और तू क्या वही घिसा पिटा डायलॉग मार रहा है? डायलॉग चेंज करना। वेरी फनी। तुम लोग स्टैंड अप क्यों नहीं करते हो? नहीं हो गया स्टैंड अप? तेरे से कोई करियर एडवाइस मांगा? हाँ, हम लोग जिधर है, जिधर बैठा है, जैसा है वैसा खुश है, समझा? चटनी लेके आना यार। अरे एक सेकंड यार, क्या चटनी? बॉस तो मैं तुम्हारा। हाँ, मतलब बॉस तुम। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ये समोसा देखो ना सर, कितना छोटा है सर। ओहो, समोसा छोटा है, ये तो बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम है यार। ये इशू तो सबसे पहले ये इशू सॉल्व करेंगे। हाँ, एक मेल थ्रेड शुरू करता हूँ मैं, कॉन्फ्रेंस रूम करते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉन कॉल अटेंड करते हैं, फिर करते हैं, ठीक है? ये कोई ऐसा ऑफिस का दोहरी काम थोड़ी कि 2-3 महीने बाद निकल ले, कोई टेंशन नहीं, आराम से चलता रहेगा। नहीं, ये ऑफिस है यार, यहाँ क्यूबिकल से ज्यादा टाइम तुम लोग कैंटीन में बिताते हो। ये लो ये क्या है? हाँ, आईडी कार्ड है, बाहर सामने अच्छे से रखना होता है सर। अरे कहाँ हाथ ले जा रहे हो? केस हो जाएगा हम पे यार। अरे वो सब छोड़ो, आप क्यों आए इधर? कुछ खाना है मंगाओ भाई, कुछ समोसा। अरे पांडू, अरे नहीं, लंच नो प्रॉब्लम। हाँ बट एक छोटा सा काम था, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी एक्चुअली। I have lined up some interviews today for internship. मैं होता तो मैं कर लेता, but I have to step out for something. तो क्या नहीं क्या ऐसे करते हो? अच्छा, हेड ऑफिस जा रहा हूँ यार मीटिंग के लिए। Come on. तो पंकज, एक्चुअली what I want you to do is assist Nick and Tushar in conducting these interviews. It's very important. Whatever they want. Support them and yeah, कोई बात होगा मुझे call करना। I'm always there, one call away. But sir, क्या बोला sir? मैं इनसे ज़्यादा smart हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, और sir ये लोग करेंगे, sir मैं करता हूँ ना? नहीं, I know, I actually agree with you, but not completely. I agree with you partially. You know, okay, let me explain. देखो देखिए, इंटरव्यू लेने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंपनी को अच्छे से समझें, कंपनी को अच्छे से जानें, इनसाइड आउट, उसकी फंक्शनिंग। और पिछले 5 सालों में निक और तुषार ने किया ही क्या है? हाँ,
क्या ही किया है मतलब क्या ही किया है क्या ही किया है मतलब 5 साल से एक ही पोजीशन पे हैं ये लोग और ना इंक्रीमेंट ना प्रमोशन यू रियली नीड गट्स टू सर्वाइव यू नो एंड दीस टू आर फाइटर्स मैन ये लोग फाइटर हैं सो जस्ट फिगर आउट कि इनको क्या क्या हेल्प चाहिए एंड जस्ट है कि नहीं इनफैक्ट एक सेकंड यार मैं तुमको इस तरह ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ चुपचाप ये लोग को जो हेल्प चाहिए कर देना एंड यू डोंट कॉल मी निक यू कॉल सर सर आई एम आल्सो फाइटर सर सर आई कैन फाइट पांडू सर क्या पांडू क्या है समोसा समोसे का साइज बड़ा करो सर आई समोसा कम ढेर ज्यादा लगता है चेक करो सर सर बोलो सर मैं कर लूंगा ना सर ये लोग को क्या दे रहे हो सर तेरे को कुछ नहीं आता सर बस प्लीज जस्ट डू योर जॉब गो एंड सपोर्ट देम सी व्हाट हेल्प दे नीड ओके सर आई विल डू ऑल द बेस्ट सर यार छोटो अरे ये सब क्या है इंटरव्यू सेटअप अरे तो चलो कॉन्फ्रेंस रूम में कैंटीन में इंटरव्यू कौन लेता है हम लेते हैं देख कैसा है ना कॉन्फ्रेंस रूम में इतना दबा दबा सा लगता है दबा दबा सा सब समझ गए वो कैंटीन में एकदम खुला खुला रहते हैं एकदम फ्री फ्री माइंड एकदम समझा अरे पर क्या क्या कर रहे हो तुम लोग चलो इसे कीप क्वाइट हां डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस वी वांट टू वर्क हियर हां लेट अस फोकस यू डोंट वेस्ट आवर टाइम गो ड्रिंक सम नॉट सम 5 कप्स ऑफ टी फॉर मिस्टर निक गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए खड़े रहो हाँ सॉरी सर तुम बैठो ना तुमको कौन बोला तेरे को बैठने के लिए बोला उठ उठ ओके यार सो मायसेल्फ मिस्टर नेक एंड आई एम डॉक्टर अपना सॉरी मिस्टर तुषार एंड आई एम नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट्स योर नेम मच्छर ने लाल यादव इसको देख के नहीं लगता थोड़ा दूर से आ रहेगा थोड़ा सा लग रहा है थक गया होगा ना जी सर चाय कॉफी रखा अरे नहीं सर अरे प्लीज हैव समथिंग अरे सर अरे ले लो अरे नहीं सर विजेश ओके सर रिजेक्टेड नेक्स्ट अरे पर क्यों अरे कॉफी उठाया मेरे लिए वो काफी है तो अपन कैसे आदमी के टाइम शेयर रिक्शा में आते हैं 2 सीट रहते एक सीट के लिए रुकना पड़ता ना अब ये साथ में रहेगा 3 सीट साथ में जाएगा विषय रुपेश मिसल क्या ये विषय कुछ भी जो भी डोमिनिस है उसको सिलेक्ट कर देगा क्या हां बार इतने लोग डोमिनिस है तो सब कुछ सिलेक्ट करेगा क्या अच्छा आईडिया है एक काम करते हैं सुन जाने के टाइम सबको पूछ कौन कौन डोमिनिस है सबको वो सिलेक्टेड ठीक है सिलेक्टेड वी विल लेट यू नो कुछ नहीं है सर मैम ए चुप रहे तू सिलेक्टेड ए जा गो गेट सम 5 कप्स ऑफ टी फॉर मिस्टर निक गो Tell me something about yourself. So naam mam chodo mere daddy ka wine shop. Selected. So. Okay. Anand T. Yes sir. Iska naam bhi T hai. Mere dekh ke laga ye apne aisa banda. So Anand T. Yes. We have a very important task for you. Yes. You know it's required for every intern like it's very difficult to do it requires focus commitment and sheer will yes sir and it also requires parampara pratishtha and nushasan yes sir so the task is ye theli mein se chai bina giraye yes sir 5 glass mein pakka sir equally pakka sir 30 ml ji sir dalo पेपर ला ए आपका प्रमोशन भी हो गया जी सर सिलेक्टेड है तू जी सर सिलेक्टेड मैन सर मैं कमिंग सिलेक्टेड सिलेक्टेड सर ओनली वैकेंसी है क्या मैं मेरे बॉयफ्रेंड को भी लाना चाहती हूं रिजेक्टेड आंसर मी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच गो इनसाइड अ पाव हा
മലരെ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ മിഴിവേകിയ കനവെല്ലാം മായുന്ന പോലെ അലിവോടെന്നരികത്തിന്നണയാതിരുന്നാൽ കനവേകിയ കനവെല്ലാം മായുന്ന പോലെ सर ये इंडियन आइडल का ऑडिशन है ना ये एक ही है जॉब इंटरव्यू है नहीं बाहर लाइन देखा था इसलिए आया मैं ऑडिशन नहीं है बट यू शुड गो टू द ऑडिशन तू मुंबई आएगा अरे मुंबई है रे हां बट मुंबई फॉलो योर ड्रीम तू ये एड्रेस पे होगे थैंक यू सर तू रोड़ी बनेगा थैंक यू सर थैंक यू नेक्स्ट गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो व्हाट्स योर नेम माय नेम इज आयुष मेहरा आयुष So tell us something about your academic career. Oh, of course. I did my studies from IIT Bombay and my All India rank was 7, which also happens to be my birthday, but it's just a coincidence. Also in my second year, my project won the Prime Minister's Award for Sustainable Development. And in the fourth year, I won round about 21 gold medals. And I also happened to come first in my class, which is not something to brag about, but yeah, it's something which just happened, so. Fantastic! Yeah, fantastic! Tell me something about myself. Huh? Good question. Sorry, you mean yourself. I know what I mean. Tell me something about myself. Tell me about himself. मतलब सर मैं आपके बारे में कैसे बताऊं कुछ कैसे बता? पता रहना चाहिए नहीं पता इतना बड़ा कंपनी में तू इंटरव्यू देने आया है यू शुड नो हु इज द इंटरव्यूअर व्यूअर या वी विल लेट यू नो आई वोंट लेट यू नो गो गो नो गो नो गो गो थैंक यू सर तू क्या येड़ा है क्या ए कीप क्विक गो गेट Some fighties from Mr. Nick. Good morning, sir. Good morning. So, what's your name? Nikhil Sharma. Nikhil Sharma, सुनिए ना लग रहा है ना नाम? अरे वो शुक्रन अलविदा मसाला माता टक्के वाला. टक्के रहा ये मुंबई का निखिल तुम्हारा दोस्त है क्या? Actually मुझे काफी लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन नहीं we are not related. हमारे नाम के अलावा कुछ भी common नहीं है. सर ये common man. सीवी किधर है तुम्हारा? सर थोड़ा जल्दबाजी में था तो भूल गया. क्या अजीब आदमी है ये हा? आज सीवी भूल गया कल जॉब पे आना भूल जाएगा अरे सीवी भूल गया तो क्या हो गया आदमी तो इधर ही है ना अच्छा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ सर आई फिनिश माय ग्रेजुएशन 2014 उसके बाद ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम आई टू क्विट एवरीथिंग टू फाइंड अ जॉब एंड देन उसी बीच मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया अभी सब कुछ ठीक हो गया सोचा कि थोड़ा अपना करियर पे फोकस किया जाए वेरी वेरी नाइस थॉट सो प्राउड ऑफ यू अबे क्या प्राउड ऑफ यू एक्सक्यूज मी जॉब कर रहे थे ना तो एमबीए कैसे किया बीच में आपका दांत व्हाइट हो जाएगा एक टूथपेस्ट पे टूथब्रश फ्री एक टूथब्रश पे वो टंग क्लीनर फ्री ऐसा सब रहेगा कुछ इसको क्या आता है सर No sir, I was thinking about the toothpaste. जो toothpaste की opening है उसका diameter थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा तो 30 दिन की जगह 20 दिन में खत्म हो जाएगा Calculate करें तो साल में 12 की जगह 20 पैकेट लगेंगे That is a substantial 150% increase. ये तो सिर्फ एक फैमिली के लिए सुना तू वापर देगा टूथपेस्ट देगा अपग्रेड बैठो भी चुपचाप Nick, Tushar, what am I hearing outside? क्या चल रहा है Oh my God, sir, अब बैठी ना कुछ काम था मुझे बोल देते मैं वहां आ जाता आपको यहां आने की जरूरत क्यों एंड यू थ्री डफर्स तुमको पता है तुम किसका इंटरव्यू ले रहे हो मिस्टर निखिल शर्मा हिमसेल्फ ही इज वन ऑफ द चीफ इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी
तुम्हारी मेरी ना सैलरी इनके पैसों से आती है और तुम बैठ के इनको इंटरव्यू ले रहे हो। सर आई एम सो सॉरी अबाउट इट सर, मतलब सर आप यहाँ क्या कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल सर? मैं तो बस ऐसे गुजर रहा था सोचा कि आपको हाय बोल दूँ, फिर देखा यहाँ पर इंटरव्यू चालू है, मैं भी बैठ जाता हूँ। तो कैसा रहा इनके साथ आपका एक्सपीरियंस? Honestly speaking, मुझे इनका इंटरव्यू लेने का क्राइटेरिया में कुछ मजा नहीं आया। हाँ देखा सर, मैं यही बोल रहा था, इन लोग को कुछ नहीं आता है सर। वो अभी वो डोम्बिवली सर आया तो उसको ले लिया, वो कॉफी पी रहा था तो उसको ना बोल दिया सर, कुछ भी इंटरव्यू ले रहे हैं लोग। अच्छा वेरी गुड पॉइंट सर, मैं बोलने वाला था, अच्छा आपने बोल दिया, वेरी प्राउड ऑफ यू सर। बट एटलीस्ट इन्होंने मेरी रिस्पेक्ट तो की, मुझे चांस तो दिया, अनलाइक यू। मानता हूँ इनका तरीका गलत है, बट तुम तो इंसान ही गलत हो, और ये मेरी कंपनी के सेल्स के लिए कुछ सही नहीं है। यू नो व्हाट टू डू? अरे यस सर, आई विल। तुम यू फायर्ड, तुम अपना सामान पैक करो। मतलब? अरे मतलब गो गेट सम 5 कप्स ऑफ टी फॉर मिस्टर निखिल। गो। ए डोंट सिट, गो। सो सॉरी सर। यही डे 2। बहुत थक गया रे लैपटॉप के सामने बैठ बैठ के, आंखें दर्द कर रही है। क्या बात कर रहा है, तू काम कर रहा था? अरे नहीं रे पागल, वो सोलेटर खेल रहा था, तेरे को मालूम है ना कितने इंटेंस गेम है। ऐसे लग रहा है ना मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। अच्छा हेडेक बोलना चाहता है? हाँ वही। एक मिनट, हेलो, हाँ कुछ पता लगा? हाँ ठीक है, एक काम कर, कुछ भी पता लगे ना तो मेरे को कॉल कर, और आराम से, नहीं तो बॉस को पता चलेगा तो उसके कैबिनेट पे छुपा हुआ है। चलो ओवर एंड आउट। क्या हुआ, कौन सा न्यूज़? अरे यार निखिल सर ने जब से पंकज को फायर किया है ना, पूरा काम अटका पड़ा है। तो मैंने सुना कि एक नया टीम लीडर अपॉइंट हो रहा है, तो मैं क्या किया, अपना एक पंटर सेट कर दिया उधर, चेक करने के कौन आ रहा है, तो अब जब भी खबर मिलेगा तो समझ जाएगा। लेकिन कुछ भी बोले वो पंकज के साथ बहुत बुरा हो गया। हाँ यार अपने को सिखाने चला था। अरे मटर शाना सर, पता चल गया अब उनके मोहल्ले में ऐश्वर्या आ रही है। चायला पांडू, सबके लिए चायला तेरे तरफ से। तू सच बोल रहा है? सर मैंने अपने कानों से सुना है, ऐश्वर्या शेट्टी न्यू टीम लीडर, बॉस आज 4 बजे अनाउंसमेंट करने वाला है। ए, तुम लोग सब क्या देख रहे हो? ऐश्वर्या शेट्टी आ रही टीम लीडर, अजिंक्य रहा नहीं आ रहे बॉर्डर ग्रावर्स का ट्रॉफी लेके, काम कर अपना। ब्रो मेरे को तो ना बिलीव ही नहीं हो रहा, आपके ऑफिस में लड़की आ रही है, कैसी दिखती रहेगी ऐश्वर्या शेट्टी? मेरे को क्या मालूम, मैं क्या सुनील शेट्टी है क्या? अब लेकिन क्या फायदा, अपने ऑफिस में कॉम्पिटिशन देख। हाँ सारे लड़के काम भी करते हैं, अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो आते इंप्रेस हो जाए अपने से। कैसे, अपने को कैसे पता चलेगा वो कैसे इंप्रेस होगी? तो पता लगाते मुझे मंजे लोग ऐश्वर्या शेट्टी अगले 1 घंटे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, किधर रहती है, किधर खाती है, किधर पीती है, कितना पीती है, उसका फेवरेट कलर, उसका स्कूल, उसका कॉलेज, इससे पहले का जॉब, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव, सब कुछ। गाइस 1 घंटा है, लेट्स गेट टू वर्क। हम तो जोश वड़ा ला रे। सर आपने 1 घंटा बोला था, हमने सारा काम 55 मिनट में कर दिया। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द ऐश्वर्या शेट्टीज हु अराइव्ड टू मुंबई बाय रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। वाटरवेज नहीं लाया सर, टोटल 21,000 पोटेंशियल कैंडिडेट्स। वाह 21 नहीं, तुम लोगों को 21,000 तोपों की सलामी देनी चाहिए। भाग इधर से यार, मेरे को तो लगता है डेड एंड डे। नहीं ब्रो सुन ना, मेरे पास एक आईडिया है। मेरे को एक बात बता, मुंबई की आबादी कितनी? रही कुछ 1.8 करोड़। उसमें से फीमेल पॉपुलेशन कितनी रहेगी? 90 लाख पकड़ ले। और उसमें से ऐश्वर्या शेट्टी कितनी रहेंगे? बोला ना ये लोग ने 21,000। बड़ा बोल रहे डेड एंड डे। एक आइडिया है, ये निखिल सर ने कौन सा आपका नाम लिया था? अपग्रेड। तुषार ये अपना ऑफिस का आईटी टीम कैसा है रे? आईटी टीम रिस्पेक्ट करता है क्या? रिस्पेक्ट
अरे लेकिन मैं सुना है एक बंदा है उसमें जो थोड़ा स्मार्ट है, एटलीस्ट वो तो डिजर्व करता है। शे, आई मीन रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। पर मिलेगा कैसे? सिंपल है रे, एडवांस लेवल ऑफ प्रोफेशनल कोर्स करके। लेकिन करेगा कैसे? इधर तो 13-14 घंटे का ऑफिस में काम करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन है, अपग्रेड से। हाँ क्या क्या है रे ये? देख अपग्रेड कैसे ना, अपग्रेड एक ऐप है फॉर ऑनलाइन हायर स्टडीज। इसमें कैसे अलग अलग कोर्सेज है, वो भी वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी से, IIT मद्रास, IIT बैंगलोर, डीकन यूनिवर्सिटी, माइका और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है बोला है, तू किधर से भी कर सकता है, चाय पीते पीते भी कर सकता है, चाय पीते पीते क्या वड़ा पाव खाते खाते भी कर सकता है। और तेरे को पता है अपने ऑफिस का जो मेन इन्वेस्टर है ना निखिल सर, उसने भी उधर से कोर्स किया है। क्या बात कर, आज देख किधर पहुंच गया, लोग देख किधर बैठे। लेकिन तू सोच रहा है कि तू चश्मिश का वो कोर्स स्पॉन्सर करेगा? अरे कर देता रे, लेकिन लेकिन क्या, पर कैसा ना मेरा एक छोटा सा काम है, अगर वो उसने कर लिया तो समझ ले कोर्स उसका। क्या काम है? पांडू कटिंग ला रे, मेरे को एक बात बता, समझ ऐश्वर्या शेट्टी इंप्रेस हो भी गई, उसके आगे क्या? अरे बाद में का बाद में देखेंगे रे, पहले इंप्रेशन तो जमाते हैं उस ऐश्वर्या शेट्टी के साथ। एक्सक्यूज मी, डिड आई हियर ऐश्वर्या शेट्टी? अबे तू जानता है उसको? जानता हूँ, वी आर सोलमेट्स, 5 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों। अबे बॉस को मैंने तो उसका नाम रेकमेंड किया, फिर क्या हम साथ ऑफिस आएंगे, लंच करेंगे, मैं उसको खिलाऊंगा इडली, वो मुझे खिलाएगी वड़ा, सेम कप से चाय पियेंगे, मजा आएगा बड़ा। इनफैक्ट मैं तो उसको प्रपोज भी करने वाला हूँ। ये देखो रिंग, तुझे पहले बताया नहीं कभी। अभी इन सब को मैं क्या बताऊं कि मैं किसी ऐश्वर्या को नहीं जानता, ये सब तो मैं बस इन्हें रास्ते से हटाने के लिए कह रहा हूं। ये सब कोई बताने वाली बात है क्या? छोड़ो ना तुम लोग, ये पांडू कटिंग कैंसिल कर रहे हैं। सुन ना, कुछ पता ना उसके बारे में? कैसी ऐश्वर्या, क्या ही बताओ उसके बारे में, उसके बाल वो क्लीशे लंबे चौड़े नहीं, शॉर्ट एंड कर्ली है, उसका वो सांवला रंग, उसके मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल खा ले जाते हैं चैन, उसके जुबान से जब मेरा नाम निकलता है। अभी मैं ही हूँ, अभी मैं ही हूँ अभी, बोलो ना। सर आपका पार्सल आया, मैंने ऑफिस में पूछा आपका कैबिन वगैरह का है, तो सब हंसने लगे, कह रहे हैं आपका कोई कैबिन वाबिन नहीं, आप कैंटीन में पड़े मिलोगे, और आप मुझे यही पड़े खड़े मिले, साइन प्लीज। थैंक यू। कोरियर वाली थी ऐश्वर्या थोड़ी ना। एक बार फिर कैंटीन में 100% अटेंडेंस, वेरी प्राउड ऑफ द कल्चर ऑफ दिस कंपनी। एनीवे, आई नो यू आर ऑल वेटिंग फॉर योर न्यू कॉलीग टू जॉइन द टीम, आई नो एंड टुडे इज द डे, बिग डे राइट? हाँ, मतलब इतना एक्साइटेड काम के लिए होते तो पता नहीं कंपनी काम पहुंचे। एनीवे, वेरी वेरी एक्साइटेड टू वेलकम द न्यूएस्ट कॉलीग ऑफ दिस कंपनी, गिव इट अप फॉर ऐश्वर्या शेट्टी। Exciting, right? Ishwarya, welcome to the team. This is a very, 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 very fun set of people. Have fun with them and get in touch with me. Thank you so much. Thank you so much. Hello guys, what's up? My name is Ishwarya Shetty and I hope we all are going to have a good time together. सर ऐश्वर्या शेट्टी लड़की नहीं लड़का है। निको और तुषार सर तुझे क्या बुलाते हैं? चमचा। तुझे? चमचा। और तुझे? चमचा। दे चलो, तुम्हारा काम है हमारे लिए जगह बनाना, हमारी जगह पे बैठना नहीं। अरे सॉरी सर, सॉरी 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 सर। और वो ऑफिस में जाके हमारा काम कर। गुड मॉर्निंग निक सर, बोलो क्या खाओगे? अरे खाना छोड़ो यार, चाय पियोगे ना? कितना का बोलूं? बोलो 2, 4, 6, 8 या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? निक तो ठीक है ना?
तुम्हें नींद पूरा हुआ क्या? नींद तो मेरा रोज पूरा होता है, लेकिन आँख आँख आज खुला है। मंजे मंजे हजरात 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 कैंटीन वालों, मुझे आज तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, यू आर व्हाट यू ईट। अगर ये बात सच है तो ये पांडु हमें क्या खिलाता है? खराब तेल, बासी चटनी, सस्ते आलू से बना हुआ वड़ा, वड़ा। ये पांडु हमें ढोकला नहीं सिर्फ धोखा देता है। तो आज से हम करेंगे ऐलान जंग। आज से कैंटीन का जंग खाना बंद बंद बंद। आज से हम सब सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे। सब साथ में मिलके बोलो हेल्दी हेल्दी। जोर से बोलो जय माता दी। अरे जोर से बोलो हेल्दी 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 हेल्दी। हेलो अन्ना। हाँ बोल ना पांडू। हेलो अन्ना, वो निक सर है ना, वो सबको अपने खिलाफ भड़का रहा है। वो बोलता है कि अपना खाना आ लेती है और सब लोग उसका साथ भी दे रहा है अन्ना। अरे क्या पांडू, इतना चिंदी सा चीज के लिए तू मेरे को फोन करके परेशान कर रहा है? हैं, तू अपने लेवल पे इसको मैनेज करना। मंजे, अरे मंजे, 3 साल से तू मेरे को बोल रहा ना कि तेरे को पगार बढ़ा के चाहिए। हाँ समझ दिया। हाँ? अब बोल, तू मैनेज करेगा या मैं किसी और को बोलूं? मैं कर लेगा अन्ना, डोंट वरी, मैं संभाल लेगा। शाम तक सारे के सारे एम्प्लॉय लोग अपने कैंटीन के खाने में टूट पड़ना चाहिए, समझा? यस अन्ना। अब जा, डोंट वरी, मैं देख लेगा। क्या खाएगा? हल्दी। हल्दी नहीं, हेल्दी। या तू? या क्या खाएगा? पागल हो गया क्या तू? क्या कर रहे तू? मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, समझा? और तू ये जो हमेशा बोलता रहता ना, तेरे बाल क्यों जल्दी गया, ये अनहेल्दी खाने थे, समझा क्या? क्या सच में बोल रहा है? हाँ, नहीं तो तेरा बाल रहता अभी मेरे से नहीं। अच्छे लगते हैं ये मिर्ची, ये भजिया, ये चटनी और तुम। कौन बोला रहे और तुम? पांडू, ये क्या स्टंट है तेरा? निक सर, ये स्टंट नहीं है, ये बड़ा है, और कितना बड़ा है। उफ, शिवम सर सॉरी, आपके सामने अनहेल्दी फूड डाल दिया ना मैंने, आप तो हेल्दी खाते हो। सॉरी शिवम सर। अरे अरे चटनी भी गिर गई। अरे अरे चटनी भी गिर गई। अरे शिवम सर सॉरी यार। अरे शिवम सर क्या कर रहे हो, तो हेल्दी फूड खाते हो ना? हाँ, आप थोड़ी खाओगे, ये खाओगे नहीं खाओगे, खाओगे सर नहीं खाओगे, ठीक है आप ही डिसाइड कर लो। ओके बनी सर। अरे वहां देखो, अरे वहां नहीं, यहाँ देखो, आपका फेवरेट आइटम वेजीज, पर आप थोड़ी अभी खाओगे, आप तो वेजीज खाते हो, हेल्दी खाते हो ना? कोई बात नहीं, वेजीज भाजी, वेजीज भाजी, आप ही डिसाइड कर लो। विवेक सर, मेरे गुलाब जाम बनाए, जल्द टेस्ट करके बताना कैसा है। अरे मैं तो भूल गया, आप हेल्दी खाते हो ना? हेल्थ इज वेल्थ ना। हाँ, क्या जूसी है ना, आपको पसंद है? पसंद है आपको खाना? आपको हाँ हाँ, आप ही डिसाइड कर लो। अरे निक सर मिक्सर, आपके लिए स्पेशल चाय। इसका जो अदरक है ना, वो मैंने रिपब्लिक ऑफ टोम्बिली से मंगाया है। और इसमें जो पत्तियां है ना, वो मैंने ऐसे नहीं, देखिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे डाली है, बड़े प्यार से पी लीजिए मिक्सर। अरे क्या 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 क्यों क्या पी ली। हाँ कंटिन्यू। अरे पांडू, तू जो ये पूरी दुनिया को चूना लगा रहा ना, मैं देखना चाहता था चाय में भी चूना है कि नहीं।
मेरे को मालूम था तू मेरे वीक पॉइंट पे आएगा, इसीलिए मैं भी किसी को लाया हूँ। किसको? अरे भाई गुलाब जामुन, हाई शुगर हाई डायबिटीज, खाओ खाओ, ऑल द बेस्ट बेटा। बेटे क्या खा रहे हो? भजिया खा रहे हो, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, मस्त मजा आएगा, खाओ खाओ ना, क्यों नहीं खा, खाओ ना। ओ, तुम क्या खा रहे हो? ओ, इट्स वड़ा, वड़ा विद एक्स्ट्रा चटनी। डू यू नो वड़ा से क्या होता है? एसिडोसिस। मालूम है एसिडोसिस क्या होता है? खाओ खाओ, हो गया आपसे, नहीं खाओगे, इट्स नॉट फैंटास्टिक। सुना सुना तुम लोग ने, सुना सुना ना अभी यार, अब तक मैंने मेरे करियर में बहुत लोगों को ट्रेन किया है, शाहरुख सलमान टाइगर सबको मैंने ट्रेन किया है, और अभी निक को भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो जो भी ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो उसकी बात सुनो, यू विल थैंक मी लेटर, और रादर यू विल थैंक निक लेटर ना। चल हजरत 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 क्या ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन मिली है ना आज हम सबको, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, टू गुड टू गुड। पर थोड़ा रिसर्च पांडू ने भी किया है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से शायद निक सर गलत भी हो सकते हैं। और अगर मैं निक सर को गलत साबित ना कर पाऊं तर माजन आओ पण पांडू ना है कहा लगा। ऑफिस वालों, पांडू की अदालत में मैं बुलाना चाहूंगा निक सर के पर्सनल ट्रेनर को, आर्नोल्ड सावंत, हाजिर हो। ओ यो आओ। कसम खाइए। मैं प्रोटीन पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सिर्फ स्कोट्स मारूंगा। टू गुड। तो बताइए निक सर आखिरी बार जिम कब आए थे? 21 जनवरी। 21 जनवरी मतलब कल, यस्टरडे राइट? कल नहीं, 21 जनवरी 2019। थैंक यू वेरी मच आर्नोल्ड सावंत, आप जा सकते हैं, जाके बेंच प्रेस मार। थैंक यू। देखा देखा दोस्तों, ये है आपके निक सर। अभी इतनी उतर गई है तो थोड़ा और उतार देते हैं। अभी मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया के लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट को, मिथिलेश पाटणकर। आइए मिस्टर मिथिलेश पाटणकर। कोकणात लेगा ना होते घाटकोपर बाजूला? अच्छा नाइस, घर सर। कैन आई सी योर मोबाइल? या या टेक। थैंक यू सो मच। अच्छा क्या है? बापरे चिकन टिक्का पिज्जा विद चॉकलेट मिल्कशेक। कुत्रेला आवडतो। अच्छा अच्छा नाइस नाइस नाइस। बट वो पिज्जा के बेस में क्या होता है? हाँ क्या होता, क्या है कॉम्प्लेन या माइलो या बोर्विटा, क्या होता है? साला खुद दबा दबा के खाता है और यहाँ पे दूसरों को लेक्चर देता है। बहुत बड़ी तू हल्का। सॉरी मेरा नाम मित पैट है, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को निकले पैसा दिया, निकले पैसा दिया मेरे को, सॉरी माफ कर दो, आपको बड़ा खाने का मेरे को दो, मैं खाता हूँ सर, फोन दे दो प्लीज। बाय बाय सर, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब। वॉट क्या निक सर, आपसे ये उम्मीद नहीं था, सबको निराश कर दिया। और तुम लोग को कैंटीन के खाने से क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग कमाते क्यों? पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए ना, तो खाओ ना पेट भर के, खाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? वो वेंडर को देखो, सुबह से शाम प्रोटीन BCAA विटामिन ये बोली वो बोली खाता है, ऐसा जीना भी क्या जीना है? लाखों लोग दिन में वड़ा और समोसा खाते हैं, क्या सब बीमार पड़ते? नहीं ना। अरे अपने मिक्सर को ही देख लो, दिन भर चाय का सलाइन लगाते, इनको कुछ हुआ है? नहीं ना। फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? चलो जो हुआ सो हुआ, मैं तुमको एक बोनस ऑफर देता हूँ। वड़ा कितने? 20 रुपया। मिसल कितने का? 25 रुपया। चलो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं तुमको मेरी तरफ से एक पांडू बोनस ऑफर देता हूँ, जितनी भी उधारी है सब हल्ला।
मैं जीत गया। अरे हाथ तो मिला लो यार। पांडू हाँ, हार के जीतने वाले को मिक्सर कहते हैं। मतलब मतलब वड़ा कितने का किया? 20 रुपए। मिसल कितने का किया? 25 रुपए। मेरा उधारी कितना था? 50,000। अब कितना है? 0। तो जीता कौन? क्या मजा आ गया, पूरा उधार माफ, 50 का 25 40 का 20। ब्रो अपन लाइफ टाइम यही करते रहेंगे क्या? 40 का 20 50 का 25। अपन आगे कभी बढ़ेंगे नहीं क्या? ब्रो क्या बात कर रहे हैं सब, आगे बढ़ेंगे नहीं? मजा आ रहा है जैसा सेट है अपन। मुझे लग रहा है ये अंदर की तेरी भूख बोल रही है। सुन मैं काम करता हूँ, तेरे लिए 20 का वड़ा ले जाता हूँ। ब्रो लेकिन मुझको आगे बढ़ना है। हेलो एवरीबॉडी, मुझे तो आप सब जानते ही है, मैं हूं आपका सबका फेवरेट पांडू। और पिछली बार की तरह इस बार भी इट्स माय प्लेजर टू वेलकम यू ऑल बैक टू सिंगलटन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड न्यू ऑफिस और ब्रांड न्यू ऑफिस कैंटीन। पिछले बार के बाद हालत थोड़े से खराब हो गए थे और इसलिए हमें हमारा ऑफिस और कैंटीन 1 साल के लिए बंद रखना पड़ा। सारे एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया और सबने बहुत अच्छे से ऑफिस के काम के लोड को घर से संभाला, सबने सिवाय एक आदमी के। अरे कौन, मतलब क्या है, आपको पता नहीं? हम सबके अजीज चाहपना निक कम्मे सर। अरे जो आदमी ने ऑफिस में बैठ के कभी काम नहीं किया वो घर पे बैठ के क्या करेगा है? अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने निक सर के साथ तुषार सर का नाम क्यों नहीं लिया है? आप सबको ये तो याद ही होगा। ब्रो अपन लाइफ टाइम यही करते रहेंगे क्या? 40 का 20 50 का 25। अपन आगे कभी बढ़ेंगे ही नहीं क्या? आगे बढ़ेंगे नहीं, मजा आ रहा है जैसा सेट है अपन। तेरे लिए 20 का वड़ा ले गया था। ब्रो लेकिन मुझको आगे बढ़ना है। तो ये हुआ, तुषार सर ने तो अपग्रेड डाउनलोड करके 1 साल में अपने आप को अपग्रेड कर दिया, घर बैठे बैठे अपने करियर को एकदम से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और इसकी खबर निक सर को बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। खैर तो आज 1 साल बाद फिर से सब लोग ऑफिस आए हैं, वर्क फ्रॉम होम खत्म और वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है, 1 साल से ये लोग घर पे थे ना, इसलिए ऑफिस कल्चर को भूल गए। आ जाएंगे लाइन पे, अभी तो इनके बाप नहीं आए, वो आने के बाद तो नाम दिया और हेलो। हाँ कितना, 4 कप? ऑफिस आए नहीं कि व्हाट इज दिस यार, क्या है ये सब, ऐसे आते हो तुम लोग ऑफिस? अरे बताना भूल गया, एक और छोटा सा चेंज हुआ है। अभी ऑफिस नया है तो नया बॉस भी तो चाहिए कि नहीं है? तो ये है नील सर, हमारे नए बॉस। इन्ना और वरुण सर में एक चीज कॉमन है, दोनों निक सर से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या क्या बोल रहे हो, वरुण सर का है? वर्क फ्रॉम होम शुरू होने से कुछ दिन पहले वरुण सर, अरे नहीं नहीं वैसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, वो लंदन गए हैं नया ऑफिस सेटअप करने। गए मतलब गए का ही फंड तुम्हें बोलते हैं।
अरे यार, माना कि तुम लोग एक साल बाद ऑफिस आ रहे हो, पर क्या ऐसे ही मुंह उठा के चले आओगे ऑफिस? सर, आपके बाल? मेरे बाल मत देखो, मेरा श्रावण चालू है। श्रावण पांडू, सी हाउ नीटली ड्रेस्ड ही इज, सीखो कुछ। सही, ये तो मेरा यूनिफॉर्म है। गुड आइडिया। मैं ना हेड ऑफिस फोन करता हूँ और सबके लिए यूनिफॉर्म सिलवाता हूँ। ढंग का काम तो इनसे होगा नहीं, ढंग के दिखो तो सही। वैसे पांडू, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन सर। एक साल बाद दिख रहे हो, काफी मेंटेन किया है तुमने। थैंक यू सर। वैसे अच्छा लग रहा है ना सारी पुरानी शक्लें देखकर। हाँ सर, क्या सोच रहे सर? एक मिनट पास आओ। बोलिए ना सर। नजदीक बुला रहा हूँ, बाहों में नहीं। सॉरी सर। इन सब पुरानी शक्लों में वो दो डरावनी शक्लें कहाँ हैं? वो तो ये क्या हो रहा है सर? मुझे लगता है वो दोनों आ गए सर। अभी भी एक भी लड़की नहीं है रे। अरे पांडू, क्या बात है, जिम जिम जा रहा है? नहीं साहब। लग रहा भी नहीं है। चल ऑर्डर ला। ये लो, चार समोसे। अरे क्या पांडू यार, पहले एपिसोड से सेम गलती करते जा रहे हैं। चटनी किधर है? चटनी लाना यार। व्हाट चटनी? आई एम योर बॉस। अरे सर, आप कब आए? मैं तो टाइम पे आ गया, तुम लोग अभी आ रहे हो। ट्रैफिक ना? हाँ ट्रैफिक है। राइट। आजकल लोकल ट्रेन में भी ट्रैफिक लग रहा है ना। सो वर्क फ्रॉम होम सबके लिए अच्छा गया है? तुषार, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उससे काफी आउट परफॉर्म किया यार तुमने। और आपने कितना एक्सपेक्ट किया था सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं। एंड निक, व्हाट अ परफॉर्मेंस! तूने खुद से एक बड़ा ईमेल लिखा सैलरी हाइक के लिए, मजा ही आ गया। सर वो आपका ने रिवर्ट नहीं किया उसमें। अच्छा, सब लोग अब आ गए हैं तो आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। हेलो, आई विल बी बैक। वो चटनी लाना यार। अरे हाँ सर। ये क्या इतना तारीफ करके गया तेरा, इतना क्या उखाड़ा तू? अरे सर कुछ खास नहीं उखाड़ा। ऐसा अचानक से सुधर मत जा। अरे नहीं यार। अच्छा सुनना, मैं तुझको कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलना। वो लास्ट टाइम ना एक... ओके गाइस, आई हैव एन अनाउंसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग वेलकम बैक। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग को एक साल बाद देखकर। वो मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम लोग की बॉडी तो इधर है पर मन अभी तक घर पर है। वी नीड टू चेंज दिस, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। सो ऑन माई स्पेशल रिक्वेस्ट, वी हैव समवन स्पेशल टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भी क्या बोल, जेंटलमैन एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर आशीष चंचलानी। सो मिस्टर आशीष इज आवर कंपनी स्टार स्ट्रेटेजिस्ट। टीम बोल दो, पर्सनैलिटी बोल दो, सब बिल्ड कर देंगे। मास्टर है मास्टर। सर, इन सबको मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, प्लीज ना इनको इंसान बना दो वापस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है, इसे ज्यादा की एक्चुअली। हाँ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सो गाइस, मैं यहाँ आया हूँ तुम सबका सीधा करने। शेड्यूल वर्क फ्रॉम होम की वजह से तुम सबका रूटीन बिखर गया है ना, उसी को ठीक करने आया हूँ। कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके आशीष सर, मैं निकलता हूँ। चल निकल। हाँ चल के निकालना पड़ेगा। राइट। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। तुम सबको देख के ना मुझे एक फिल्म की याद आ गई। कौन सी सर? बाहुबली। उसमें एक कैरेक्टर था ना जो ऐसे बात करते हैं, वैसे लगे पड़े हो तुम लोग। सालो, काल के आ की औलाद हो, ये कोई तरीका ऑफिस में आने का? सर, यू कांट बी टॉकिंग टू अस लाइक दैट। ओहो, एमए इंग्लिश लिटरेचर बोले। सर, यू कांट बी टॉकिंग टू अस लाइक दैट। अंग्रेजों से सिर्फ अंग्रेजी लिए तूने, ड्रेसिंग सेंस तो उगांडा से लिया है।
और आप सर, सर सर आप लेट हो सर। किस चीज के लिए सर? आपके कॉलेज फेस्टिवल के मिसमैच डे के लिए। ये बनियान के नीचे चड्डे पहनने का पाप लोग उसी दिन करते। सर आप प्लीज मार्केट में मत निकलना प्लीज। क्यों? अरे मर जाएगा सभ्यसाची, उसका कॉम्पिटिशन जो आया मार्केट में। सर अब बैठे क्यों? प्लीज प्लीज गेट अप, गेट अप प्लीज प्लीज, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। पांडो यस सर, जल्दी सर। यस सर, यस सर। नोट डाउन कर, नोट डाउन कर। सर के लिए एक ट्यूब, एक बॉटल, एक सुई और एक प्रोटीन का डब्बा लेके फटाफट ले, पैसे ले के ले रखना। और अगर पैसे बच जाए ना तो सर के लिए अंडे लेके आना। देख भाई अपना आदमी है, वर्कआउट जारी रहना चाहिए। हाँ अगला मिस्टर ओलंपिया इंडिया ही जीतेगा। क्या बात है सर, मैं वर्कआउट नहीं करता। तो ट्रैक सूट पहन के अपने बाप की बरात में या ऑफिस आवर्स के बाद जाके गीता बबीता को ट्रेनिंग दे रहे हैं? एक खींच के दूंगा ना आंख और कान के बीच में दंगल हो जाएगा। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस सर, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू सर, कैन यू प्लीज प्लीज ज्वाइन मी ऑल्सो सर, कैन आई प्लीज गेट योर ऑटोग्राफ प्लीज सर। दस यार बस क्या है। थैंक यू सर। सर एक और रिक्वेस्ट है सर, कैन आई प्लीज गेट अ सेल्फी? अरे बस क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पांडू, हम लोग पांडू जल्दी कर। यस सर, यस। ऑल्सो सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी सर, कैन आई प्लीज प्लीज गेट योर लाइव शो के पासिस? तुम लोग सब आओगे ना गाइस? अरे हाँ, क्या कौन सा शो? कौन सा शो मतलब सर, आप मेटालिका के लीड गिटारिस्ट नहीं हो? नहीं तो? तो ये सर पे मैन बन क्या मुजरा करने के लिए आए हो? और ये हाथ पे क्या, हाथ पे क्या है ये गजरे? अरे नहीं तो? शहर के सारे नाई क्या बिजी थे जो तुम्हारे बाल नहीं काट पाए? तुम निक हो ना? हाँ। बहुत कारनामे सुने मैंने तुम्हारे बारे में उधर हेड ऑफिस। अरे क्या बात कर रहे हो, जो भी तेरे आड़े आता है उस एम्प्लॉय को तू सीधा निकलवा देता है ना? हाँ? ओ कैंटीन के खाने के खिलाफ बगावत की थी ना तुमने, क्या था वो? एलाने जंग। बहुत दहशत है तेरी यहाँ, सब डरते हैं ना तुझसे, पर मैं नहीं डरूंगा, मैं जो करने आया हूँ वो करके रहूंगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अक्षय कुमार बनेगा तू? हाँ अक्षय कुमार बनेगा, तो उसके जैसा रूटीन भी ला लाइफ में। देखो गाइस मेरी आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे इस ऑफिस में सिर्फ टीम वर्क और डिसिप्लिन चाहिए, समझा मिस्टर मेटालिका? टीम वर्क और डिसिप्लिन, शुरू से शुरू करेंगे। अभी टाइम हुआ है सर 11। हाँ बे टाइमेक्स की औलाद, मालूम है मेरे को, ड्रामेटिक पॉज ले रहा था। तो अभी बजे है 11, आधे घंटे के अंदर मुझे सबके सब नॉर्मल इंसान दिखने चाहिए। चल के जाओ, दौड़ के जाओ, रेंग के जाओ, हेलीकॉप्टर में जाओ, एसटीडी करो, आईएसडी करो, आई डोंट केयर। और निक तेरी चापलूसी नहीं चलेगी, समझा? तुझे अगर तिरुपति जाके भी बाल काटने पड़े तो जा और टाइम पर वापस आ। सर एक्सक्यूज मी, अगर ये लोग लेट आए तो हम क्या करेंगे? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह पहली बॉल पे सिक्सर। अभी क्या रानी मुखर्जी के आने का वेट कर रहे हो? चलो निकलो, चलो। सर पिक्चर बहुत देखता लगता है। से सारो। अबे ओ नायक के परेशान हाल, चल जा कॉफी बना चल। अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो पहले से ही सीधा था। शेड्यूल शेड्यूल, गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हो अब, लग रहा है ना ये ऑफिस। हाय 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 हाय, आई लव द कलर ऑफ योर शर्ट। डिसिप्लिन की बात तो हो गई, अब फोकस करेंगे टीम वर्क पे। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, इस बार फिर से बाहर नहीं भगाऊंगा, अंदर ही भगाऊंगा। बाहर कौन सा टीम वर्क लगेगी तुम्हें? ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। लगता है यूट्यूब भी बहुत देखते सर। तू मेरे फोन का ईएमआई भरता है? मेरी बीवी भरती है ना, तो मैं डिसाइड करूंगा क्या देखूंगा, किसका देखूंगा। वीडियो वीडियो, नीच आदमी, आंखें बड़ी मत कर। टीम वर्क बिल्ड करने के लिए अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। इस एक्सरसाइज से आप अपने टीममेट्स को अंदर बाहर आजू बाजू
ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से जान जाओगे। Are you ready, my boys? Yes, sir. Yes, sir. जोर से बोलो। Yes, sir. More loudly. Yes, sir. सबसे first exercise का नाम है two truths, one lie. और इस exercise में हम pairs में divide होंगे। और एक pair में कितने लोग रहेंगे, sir? Engineer. Yes, sir. लगाई था। Pairs में दो ही लोग होते हैं, जाहिल आदमी। So इस exercise में एक teammate दूसरे teammate को अपने बारे में तीन चीजें बताएगा। एक झूठ, दो सच, और सामने वाले को उस टीममेट की झूठी बात पकड़नी। एक एग्जांपल देता हूं। ए इंजीनियर, इधर आ। अभी हम दोनों की टीम है। अब ये मुझे अपने बारे में दो सच और एक झूठ बताएगा और मुझे इसकी झूठी बात पकड़नी है। चल इंजीनियर, शुरू हो जा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और मैं वर्जिन नहीं हूं। देखा, पकड़ लिया ना। अब इंजीनियर है तो वर्जिन ही होगा, है ना? देखो कैसे शर्मा रहा है, लाली देखो। तेरा किसी ने नहीं पकड़ा ना अभी तक। सर, हाथ की बात कर रहा हूं। सही बोला ना? सही है सर। तो सब समझ गए? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो नो सर। चलो अभी फटाफट पेयर्स में डिवाइड हो जा। गो। नहीं नहीं, चालू करते क्या मजा है क्या मालूम। अच्छा सुना निक, मैं बोल रहा था सुबह अपनी बात पूरी नहीं हुई। हाँ बोलना। माय फेवरेट निक सर, आपका पार्टनर कौन है? अरे मैं भी क्या स्टूपिड सवाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जहाँ निक होगा वहाँ तुषार होगा। अरे इन दोनों की तो लाइफ पार्टनर वाली जोड़ी है ना? चलो तुम दोनों आ जाओ, आओ। नाउ लिसन एवरीवन, पे अटेंशन। इन दोनों को ध्यान से देखना। ये दोनों इतने लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ है, देखना कैसे फटाफट एक दूसरे का झूठ पकड़ते हैं। तुषार थोड़ा सोच के बोला, मेरे को सब पता है तेरे बारे में। तुषार यू गो फर्स्ट। मैं रात को सॉक्स पहन के सोता हूँ, मुझे एक बेर में चढ़ जाती है, और मैं जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ। अबे यार थोड़ा तो टफ देता, ऑब्वियसली थर्ड वन। तू मेरे को इधर अकेला छोड़ के थोड़ी जाएगा। क्या बात है, तालियां गाइस। नाइस, चल निक अब तेरी बारी। मैंने फ्रेंड्स का एक भी एपिसोड नहीं देखा है। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल है। और कुछ बड़ी बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है? तेरी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल है। सही बोला निक? सवाल है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। क्या बात है गाइस, क्या बात है। अरे इनकी पेयरिंग तो ब्लूटूथ से भी अच्छी है यार। गुड 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 जॉब तुषार निक, गो। देखा तुम लोगों ने, इसे कहते हैं टीम वर्क, इसे कहते हैं ट्रस्ट। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज। तेरे को मालूम है ना अपन दोनों हार गए। क्या छुपा रहे तू मेरे से? अरे कुछ नहीं। अरे वो मैं तेरे को बताने वाला था ना मॉर्निंग में, तब नील सर आ गए, फिर बताने का कोशिश किया, फिर आशीष सर ने बुला लिया। अबे इतना सही बात ना, मेरी फटके हाथ में आ गई थी। चलो अभी आगे की एक्सरसाइज भी अपन ही जीतते। तुम दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। सर सर, हाँ, फॉलो मी। सो इस एक्सरसाइज का नाम है स्टैंड अप। अबे एक्सरसाइज का नाम है स्टैंड अप, तू क्यों खड़ा हो गया, बैठ जा। देखो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इसमें तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें बस इस रुमाल पे 30 सेकंड के लिए खड़ा होना है। सर ये तो बहुत इजी है, मैं तो एक मिनट खड़े रह सकता हूँ। अबे ओ उतावले नंदन, ये बी यूनिक की वीडियो है, अपना टाइम आए नहीं आए, ट्विस्ट जरूर आएगा। तो ट्विस्ट ये है कि ये एक्सरसाइज भी तुम लोग को पैर्स में करनी है, एंड पैर्स तो रेडी है ना, तो चलो आ जाओ। ये देखो चल, अरे जल्दी आओ ना, और पास, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, कुछ नहीं होगा। खुशिया ये गेम भी अपने को जीतने का है। मैं क्या बोलता है, मैं उठाऊंगा तेरे को? नहीं ब्रो, इसको थोड़ा सा ना टैक्टिकली सोचना पड़ेगा। 99% लोग इसमें हारेंगे। क्यों?
क्योंकि उनका अलाइनमेंट सही नहीं है। मंजे? मंजे? चल दिखाता हूँ। अंदर उठ उठ, मेरी आंखों में देख, शर्म नहीं आ रही? हाँ शर्मा चल, अरे जल्दी आओ, हाय हाय आ भी रहे चिपक के। हाँ चला कम ऑन, और पास, हाय 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 हाय, सेक्सुअल टेंशन देख रहा दोनों में, आसमां गिरा जमी को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम, 3 2 1 तालियां, क्या बात है, सो गुड, वेरी नाइस। देखा, इसे कहते हैं दोस्ती, असली दोस्ती वो है जो एक टांग पे खड़ी हो, एक टांग गॉट द पन्ना। तुषिया साले ये आइडिया कहाँ से आया तेरे पास? क्या मस्त बैलेंस किया अपन दोनों। सिंपल डेटा है ब्रो, तेरे से तो सीखा है मैंने। क्या यूनिक सोचने का। तो सबको मजा आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो एडजस्ट करो सालो, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो अभी हम एकदम लास्ट फाइनल वाला एक्सरसाइज करें? यस। क्या बात है, जोश मुझे ऑलरेडी बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर तुम लोग ने ये एक्सरसाइज कर लिया ना, मैं तुमको प्रॉमिस के साथ कहता हूँ तुम नील सर के भी सर बन जाओगे। और ये एक्सरसाइज का नाम है ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन नील सर क्या, ये तो मेरा ही बॉस बन जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ मेरा सेशन होता है खत्म। ऑनेस्टली आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। ऑल्सो गाइस, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, मैंने तुम लोग को कुछ भी बोल दिया हो, तो प्लीज यार माइंड मत करना, क्योंकि सालों तुम लोग वो डिजर्व करते थे, लेकिन लेकिन अब नहीं, अब तुम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स डिजर्व करते हो, सो वेल डन गाइस। अभी मेरा टाइम हो गया है जाने का, एंड आज के सेशन की एक प्यारी सी रिपोर्ट भी बना के देनी है नील सर को, और उसके बाद मेरे कुछ और प्लान्स है, क्योंकि मेरे को एक बियर में चढ़ती नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अब मेरा टाइम हो गया है जाने का, एंड आई एम 100% श्योर तुम लोग सब एक दिन सिंगलटन कंसल्टेंसी का नाम रोशन करोगे। गुड बाय। अरे सालो तालियां तो बजाओ, ड्रामेटिक एक्सिट मिले मुझे। पांडव इधर आ। अबे ब्रेक लगा, सुन मेरी बात, अगली बार चार्जिंग फुल हो जाए तो प्लीज चार्जर निकाल लिया कर, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अरे सर, सी से सारो, सी से सारो, सौ सदी सरा सना से। स्टार्टिंग में मेरे को लगा ऐसा थोड़ा बोरिंग रहेगा, लेकिन मजा आया ना बाद में। हाँ मतलब अच्छा था सेशन। अच्छा मैं क्या बोल रहा है, तू सुबह से बोल रहा है कुछ बोलने का, कुछ बोलने का, बोल ना क्या सीन है। अरे वो मैं बोल रहा था कि देख ध्यान से सुन, अपना जब वर्क फ्रॉम तुषार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। आशीष सर की रिपोर्ट पढ़ी मैंने, अरे तारीफ ही तारीफ लिखी उन्होंने तुम्हारे बारे में। क्या बात है, मतलब तुम दोनों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर तुम लोग तो छा गए यार। तुषार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो मैं निक को बता ही रहा था कि वही ना, कि दूसरे कंपनी में जाके तुमने इंटरव्यू दे के भी आ गए। क्या बात है, अरे वर्क फ्रॉम होम करते करते अपग्रेड से डेटा साइंस भी पढ़ लिया तुमने, सो डैम इंप्रेसिव। ये अभी समझ रहा है कि पॉजिटिव चेंज कहां से आ रहा है। वरुण सर जो सालों से नहीं कर पाए, अपग्रेड से कुछ ही महीनों में कर दिया। क्या बात है, ये जो नई एक्सरसाइज है ना, वो नई कंपनी में काम आएगी तुमको। और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं बोलूंगा, पर तुषार
आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और सिलेक्शन का टेंशन मत लेना, समझो हो गया. बेस्ट ऑफ लक. कीप इट अप. एंड ऑल ऑफ यू, ग्रेट वर्क गाइस, कीप इट अप. तो साला फिर धोखा दिया मेरे को. तू मेरे को बोला 1 तारीख को तेरा जॉइनिंग है, अब बोल रहा है आज तेरा लास्ट डे. गाँव तो जाना पड़ेगा ना यार. मेरे को तो ना बिल्ली भी नहीं हो रहा आज के बाद तू नहीं रहेगा ये ऑफिस में. लेकिन तू सही बोलता है, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी है. सॉरी यार, मैंने तुझे डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया. वो तो डाल दिया तूने, लेकिन मानना पड़ेगा तूने सब कुछ एकदम सॉलिड हैंडल किया. अगर मैं तेरे जगह पे रहता ना, मुझसे नहीं होता ये. ब्रो, मैं तेरे को ये पोजीशन में कभी डालता ही नहीं. अबे मजाक कर रहा हूँ यार. ऐसा मजाक मत कर यार, गिल्ट से मर जाऊंगा मैं. अरे ठीक है यार, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे को अपने करियर में फोकस करना है, तेरे को आगे बढ़ना है, और मैं थोड़ा लेट बैक है. और मैं तेरे को सपोर्ट करेगा ना, मैं सिर्फ तेरा ब्रो नहीं हूँ, पुशअप ब्रो हूँ. शीरे हरामी. लिख, आज निक और तुषार के पार्टनरशिप का लास्ट डे है, तो अपने को ना कुछ घमासान करना पड़ेगा. तू बोल रहा ना ये अपने पार्टनरशिप का लास्ट डे, लेकिन तू चाहता तो अपना पार्टनरशिप और भी चलेगा. तू रुक रहा है क्या? मैं नहीं रुक रहा, लेकिन तू अपने फोन में अपग्रेड डाउनलोड कर रहा है. ब्रो सुन ना, ये डेटा साइंस में ना बहुत अच्छा फ्यूचर है. सबको लगता है ये सब्जेक्ट में वो लोग शाने हैं, लेकिन मार्केट में प्रोफेशनल बहुत कम है. और तू डरता क्यों है? ये ऐप में 360 डिग्री करियर सपोर्ट है ना, तेरे को सिर्फ डाउनलोड करके स्टार्ट करना है. अगर मैं कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता? तू तो मुझसे भी स्मार्ट है ना. वो लैंडलाइन के जमाने में लड़कियों का नंबर तो याद रखने में चैंपियन था. अरे वो बात अलग था रे. अच्छा अलग था. वो कौन थी वो साइली, उसका नंबर क्या? 2481212. पूजा 2498184. फियोना 2488484. प्रीति कौन सी, स्कूल वाली कि क्लास वाली? स्कूल वाली. 2498184. क्लास की. अब उसके बाप ने कॉलर आईडी लगाया था, उसके चक्कर में बहुत पैसे खर्च हो गए मेरे पीसीओ में. 2488194. देखा तेरा और नंबर का कितना अच्छा कनेक्शन है. ब्रो देख, मेरे को जब सुधरना रहेगा ना, सबसे पहले मैं तेरे को कॉल करेगा, और उससे भी पहले तेरा वो अपग्रेड डाउनलोड करेगा. खा कसम. कसम से. उंगली दिखा. मैं क्या उंगली कर रहा है, बच्चा है क्या? बस यार, तेरी रिप्लेसमेंट कोई अच्छी लड़की आ जाए, मन लगा रहेगा ऑफिस में. निकलने वाला था ना, कितना बजे का फ्लाइट है तेरा? मैं सोच रहा हूँ डिले कर दूँ. नहीं नहीं बहुत महंगा है. प्लीज यार. यार ये ऑडियो और विजुअल मैच क्यों नहीं हो रहे? रुक. लेके क्या जाओगे? कहाँ कहाँ हाथ लगाया होगा और मेरे समोसे को तुम टच कर रहे हो? यार ये किसी को तो डांट रही है. अबे किसी को नहीं, अपने पांडू को डांट रही है. चल. मैडम आपको नहीं खाने का तो मत खाओ, ठीक है? अरे ऐसे कैसे बात करे मुझसे? अरे तुम्हारा हाथ है फॉर गॉड से, स्कूल में मैनर्स नहीं सिखाया क्या? मैडम स्कूल के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा. अरे ऊपर क्या, मैं तो तुम्हारे स्कूल के आसपास भी ना जाऊं, इतने बाहियात स्टूडेंट निकाले होंगे, पता नहीं कहां कहां हाथ लगाया होगा. कुछ भी क्या बोल रहे हो हा? दिन भर में इकड़े तिकड़े कसला हाथ लावणार, पागल हूं क्या मैं? हो भी सकता है, मुझे क्या पता, मैंने तो अभी देखा तो मुझे समझाना, क्या पता तुमने छीका भी होगा, हु नोज. मैडम अभी आपका ज्यादा हो रहा है. अरे चल चल. नहीं सर, इनको बताओ. क्या बताऊं? अरे इनको बोलो ना. हाँ अरे क्या बोलू, वो तो बता रही. अरे बाय द वे, मायसेल्फ मिस्टर नेक एंड मायसेल्फ डॉक्टर तुषार. आपला मिस्टर तुषार. व्हाट इज द इश्यू? या देखिए मैंने इनसे पूछा कि मेरा समोसा गर्म है कि नहीं, पता है इन्होंने क्या किया? क्या? ऐसे ऐसे करके दिखाया कि हाँ गरम है,
पांडू ये गलत है, ऐसे चेक करके बता दे समोसा गरम है क्यों नहीं, ऐसे चेक करके बता दे, ऐसे चेक करके बता दे ना, ऐसे थोड़ी चेक करते, ऐसे करते, इसमें कैसा ना, इसमें थोड़ा पसीना रहता है, पसीने में एसिड रहता है तो समोसा का टेस्ट चेंज होता है, ऐसे थोड़ी, ऐसा थोड़ी चेक करते, ऐसे करते ना। सुना निक, एक्चुअली ऐसे नहीं चेक करते। सुना, ये समझदार लगे बेटे, बताओ कैसे करते इसको ना, ऐसे करते इसको, आप खा सकते हो। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं थर्मोमीटर लेकर आऊं। मैं तो बोलता पांडू नेक्स्ट टाइम तू चटनी वाले थर्मोमीटर डाल। मैं तो बोलता मिर्ची वाले थर्मोमीटर देते ना साथ में। कैसे गवारों की फौज रखी हुई है ऑफिस में। थैंक यू मैडम। शट अप एंड बेंड ओवर। शट, क्या लगा के रखा है यहां पे? हां आई नो व्हाट्स हैपनिंग, यू गाइस आर टीमिंग अप अगेंस्ट मी ना। You don't know who I am and what I can do. Madam, और आपको भी नहीं पता हम कौन है और हम क्या कर सकते हैं। इतनी सी बात के लिए तुमने पांडू को झाड़ दिया? इसके लिए, इस डमास के लिए तुमने मुझसे पंगा लिया? महंगा पड़ेगा, तुम तीनों को महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों के शौक हम भी नहीं रखते मेम साहब। और मेम साहब पंगा आपने शुरू किया है। कैंटीन हमारा, समोसा हमारा, पांडू हमारा, नखरे तुम्हारे। ना ना माना, ये पांडू हमारा डमास है, गवार है, मंद है, बदीर है, लेकिन वो हमारा पांडू है। ऐसा कोई भी एरा गैरा आके कुछ भी नहीं बोल के जा सकता है। एरा गैरा? ओह माय बैड, एरी गैरी। यू वेट, लेट योर बॉस कम एंड मिल ही गया। क्या है, कितना ठंडा समोसा है, इतना तो गर्म रहना चाहिए ना एटलीस्ट। मैम, अरे आपका भाई, हाय वेलकम वेलकम, मिक तुषार, शी इज मिस एसा चन्ना, शी इज फ्रॉम BYN कॉर्पोरेशन, एंड गाइस वी आर गोइंग टू साइन द बिगेस्ट डील इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंपनी विद चन्ना मैम। चन्ना मैम, मैम लेट्स लीड टू माई ऑफिस फॉर द डिस्कशन। यू प्रोसीड, मैं चाय पी के आती हूँ। ओके ग्रेट ग्रेट, आई एम वेटिंग। पांडू गर्म चाय देना। गुड आफ्टरनून सर। ध्यान से सुनो प्लीज, मैम के साथ अच्छे से बिहेव करना, शी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कुछ गड़बड़ हुई और ये डील फेल हुई तो पांडू दो यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा मंगा के रखना। सर आपके साइजेस क्या हैं? मैडम गुड आफ्टरनून, वो थोड़ा ऐसा ना इम्फॉर्मल मीटिंग हुआ था, मैं सोचा कि अभी क्या बोला तुम्हारा नील सर ने, कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है, और कि आप बहुत स्मार्ट हो, और कि आप बहुत पावरफुल भी हो। पावरफुल, राइट, यही तो मैं कब से कह रही थी, पर मेरी बात कुछ सुन ही नहीं रहा था। मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट बनने वाली है और ये डील मेरे हाथ में है। मैं काफी पॉजिटिव थी तुम्हारे बारे में, रियली लाइक्ड यू गाइस, बट अब थोड़ी डाउटफुल हूँ। So, अरे अरे बैंडर गई, अरे हम लोग मजाक कर रहे थे। वही तो, मजाक ही तो नहीं पसंद मुझे। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन तुम लोग को तो मजाक बड़ा पसंद है, देखा मैंने कैसे मस्त हंस रहे थे, ताली वाली बजा रहे थे, चुटकियां बजा रहे थे। चलो मैं तुम्हें एक फनी सिनेरियो देती हूँ। ये डील होगी लेकिन एक कंडीशन पे, this pandu needs to leave. अरे मैम मैं अभी लीव नहीं कर सकता, मेरा ड्यूटी 6 बजे खत्म होता है, और अभी अभी मैं लीव करेगा तो मेरे को हाफ डे लगेगा और फिर नील सर चिल्लाएंगे और डांटेंगे। अरे फनी, नील सर तुम्हें निकाले इसके पहले तुम खुद ही निकल जाओ। 30 मिनट है तुम लोगों के पास, डिसाइड कि ये डील चाहिए या ये पांडू। नई जॉब ढूंढना तो आसान होगा ना तुम्हारे लिए, हाथ लगा के पता चल जाता है तुम्हें टेम्परेचर का। शाहरुख के पास तो फिर भी 70 मिनट थे, तुम लोग के पास तो सिर्फ 30 है।
डील इन पांडू आउट द बॉल इज इन योर कोर्ट 30 मिनट गाइस टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक मैम 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 सर सर मैं पैक करना शुरू कर देता हूँ रुक जा मैं काम करता हूँ मेरे नए कंपनी में तेरे लिए कुछ देखता हूँ थोड़ा वक्त लगेगा तब तक मैं और निक अपने अपने सैलरी से तुझे कुछ अमाउंट देते हैं अरे चुप बैठो दोनों कोई किधर नहीं जा रहा है ब्रो तूने सुना ना एसएस और बॉस क्या बोला सुना मैं भी उधर ही बैठा था एक काम करते हैं अपन डायरेक्ट नील सर के पास जाते हैं उनके पास कुछ तो सोल्यूशन रहेगा चल अरे सर सर सुनो सर 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 निक तुषार अभी तुम दोनों को ही कॉल करने वाला था मैं सर वो पांडू मैंने तुम दोनों को एक काम दिया था व्हाट टू कीप मिस अज़ाज़ हैप्पी एंड यू पिस्ड हर ऑफ लास्ट थोड़ा तूने और वो बिल बेचारा पांडू भरेगा सर अभी उसका क्या होगा क्या मतलब पांडू हैज टू लीव सर पांडू कितने साल से अपने साथ काम कर रहे हैं तो क्या करूं सीनियरिटी के हिसाब से उसको कंपनी का सीईओ बना दूं लेकिन गलती मिस अज़ाज़ की भी थी उसने बहुत रूडली बिहेव किया उसके साथ बी प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं चल रहा यहां पे पांडू हैज टू लीव चलो निकलो अभी आधा घंटा अपने पास यस सर सर अगर पांडू निकला तो मैं भी रिजाइन कर दूंगा तू भी रिजाइन कर देगा तो कंपनी का क्या होगा अपने तो शेयर्स भी गिर जाएंगे अगर मुझे मालूम होता कि पांडू को निकालने से तू भी निकल जाएगा तो पांडू को तो मैं कब का निकाल देता है ना नहीं निकलो अभी रुको मैं अपना चार्म यूज करके देखता हूं ठीक है जा नो मैं पैकिंग करना शुरू कर देता हूँ सर अरे रुकना यार कुछ सोचते निक पर अरे क्या निक पर तू सर क्या निक पर मैं इतने सारे चेंज एक साथ नहीं झेल सकता पहले तू जा रहा था अब ये जा रहा है मैं इधर बैठ के अकेला क्या करूं देख तुषार तू चाहे मेरे को सेल्फिश बोल लेकिन मैं पांडू के इधर से जाने नहीं दूंगा तेरे को निकलना है तो निकल मैं मेरे लास्ट डे पे इसे लूजर बन के नहीं जा सकता मैं हूं तेरे साथ वन लास्ट राइड ब्रो वन लास्ट राइड ब्रो वन लास्ट राइड ब्रोस हर बात में एक्स्ट्रा करना जरूरी है मस्त आइडिया है सर फॉर्मूला 36 चल क्या फॉर्मूला क्या है ये सब रेजिग्नेशन लेटर्स लेटर्स प्लूरल सर वो क्या है ना बाकी कलीग्स का कहना है कि निक और पांडू रिजाइन करेंगे तो हम भी करेंगे कौन है ये लोग कहां से आ रहे हैं लोग बुलाओ उनको केबिन में सर इतने सारे लोग केबिन में फिट नहीं होंगे आपको बाहर आना पड़ेगा प्लीज What the hell is this? यहाँ पे क्या नायक पिक्चर का रीमेक चल रहा है क्या चल रहा है ये सब मैम मास रेजिग्नेशन कह रहे कि निक और पांडू जाएंगे तो हम भी जाएंगे। सालों ने पेपर्स भी डाल दिए मैम कांग्रेट्स एहसास मैम आप जीत गए हो दिखा दिया आपने अपनी पावर और नील सर आपको अपनी डील मुबारक आपको डील तो मिल गई लेकिन लोग नहीं बचे क्या करें मैम बिग बजट डील्स मर्जर्स टेक ओवर्स इन सबसे मैं डेली बेसिस पे डील करते हैं लेकिन मेरे आज तक की एक्सपीरियंस में आपकी जितनी इनकॉम्पिटेंट कंपनी मैंने कभी नहीं देखी हम सब जानते हैं कि सेंटिमेंट्स पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती ये मैंने सीखा है और आगे सिखाया भी है पर आज मैं गलत थी एक ऑफिस बॉय के लिए तुम सबने अपनी जॉब दाव पे दे दी दैट्स एक्सेप्शन और ये डील आपको ना देकर मेरा ही लॉस होगा मेरी ही हार होगी और हारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर नील दिस डील इज योर्स थैंक यू मैम थैंक यू सो मच अपनी अपनी जॉब्स वापस ले लो गाइज
और पांडु yes, इनके लेटर्स ले लो अपने ठंडे समोसे बांधने के लिए. थैंक यू. थैंक यू निक सर. तुषार सर, आपने एक मामूली वेटर के लिए इतना कुछ किया. पांडु, तू मामूली तो है लेकिन वेटर नहीं, दोस्त है तो आपका. और हम लोग दोस्ती कभी नहीं तोड़ते. थैंक यू सर. सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चाय और समोसा लगेगा. हाँ सर, मैं आप भी लेके आता हूँ. 50 चाय और 50 समोसे. इतना क्यों? अबे वही तो डील था. डील? डील? अबे ये जो इतने लोग आए थे, हम भी जाएंगे. तेरे को क्या लगता है क्यों आए थे? अपने ऑफिस के लोग हैं ना. अबे वो सब पिक्चर में काम करने वाले साइड एक्टर्स थे. ये बाजू की बिल्डिंग में ब्यूटी का शूट चालू था, वहाँ पे ब्रेक हो गया. नीकू उनको उठा के लेके आया. एक डायलॉग के लिए एक चाय और एक समोसा. पांडू, तेरे को क्या लगता है 50 लोग ऑफिस से जॉब छोड़ देंगे तेरे लिए? अरे निक सर, कहाँ से लाते हो यार इतने सारे आइडियाज. निक सर, एक काम करो ना, तुषार सर को भी रोक लो ना. ऐसा ही कोई आइडिया रहेगा ना आपके पास. मैं चाय समोसा लेके. काफी मजेदार दिन था आज. आज ही के दिन हमें हमारी कंपनी की सबसे बड़ी डील मिल गई. पर आज ही के दिन हमें हमारे तुषार सर को बाय बोलना पड़ रहा है. तुषार सर, प्लीज आप आइए ना और कुछ. पांडु, मैं जानता हूं तो अभी क्या बोलेगा. तो अभी निक को यहाँ पे बुला के कुछ बोलने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि निक, प्लीज तू यहाँ पे मत आ. कि तू बोलेगा तो मैं रुक नहीं पाएगा. और ब्रो, मुझको उधर जाना है यार. अच्छा पैकेज दे रहे यार. बस तो फिर गलती से मेरे तरफ से किसी को कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना. तुषार सर, कोई आखिरी ऑर्डर आप? पांडु, गो गेट 5 कप्स ऑफ टी फॉर मिस्टर तुषार. जा भी इधर से, पीछे मत देखना. अभी नहीं, कभी नहीं. धागा ये कांच का, रास्ता ये साथ का. धागा ये कांच का, रास्ता ये साथ का. क्यों तूने है तोड़ा, क्यों मेरा साथ छोड़ा. कैसे कहूँ अलविदा, क्यों हो गया तू जुदा. क्यों हो गया तू जुदा. क्या बज गया ना पांडू, क्या बज गया ना. कैसा दिमाग चलाया मैं ऐसे टाइम पे. अपना दिमाग मस्त चलता है. ऐसा 50 एक्स्ट्रा को लेके आया मैं उधर.
लेकिन ना अपना तुषार को रोकने के लिए दिमाग नहीं चला रहे। बट ऑनेस्टली बताओ, अगर चलता भी ना तो मैं उसको रोकता नहीं। उसने जैसे अपग्रेड से डेटा साइंस किया, टॉप कंपनी में जॉब लग गया उसका, अच्छा सैलरी है, खुश है मैं उसके लिए, खुश है बहुत। लेकिन ऐसा उसको ऐसा आजू बाजू में देखने का आदत है ना मेरे को। लेकिन एक चीज़ सही कहता था तुषार, स्मार्ट तो मैं बहुत हूँ। अभी तुम लोग ये सोचो, बिना कोई कोर्स किए अपना दिमाग ऐसा दौड़ता है, मैंने अगर अपग्रेड से कोई कोर्स कर लिया तो, समझ रहे हो? बट वो तो बाद में की बात है, बाद में का बाद में देखते हैं। अभी कैसा थोड़ा अकेला रहने का आदत डालना पड़ेगा, कर लेंगे दोस्ती के लिए।